रामतलाई मंदिर मार्केट के दुकानदार अमृतपाल सिंह वालों दूसरे दुकानदार उपर नजायज तंग परेशान करन दे दोष लगाए गए ने। जानकारी दिंदिया उसने कहा कि मार्केट विच खरीदी दुकान का काम करवाया जा रहा है, जिस विच नाल लगदे दुकानदार वालों दुकान अगे कब्जा किया जा रहा है। उसने कहा कि इस मामले संबंधी पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस संबंधी दूसरी धिर के प्रदीप गब्बर ने कहा कि उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले गए ने, जिस उपर कार्रवाई कराने लई पुलिस नूं शिकायत दर्ज की गई है। जिक्रयोग है कि इस मामले नूं लैके दोवें धिरां दी मीडिया सामने भी तकरारबाजी हुई है। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। मैं भाजी अमन पसंद ते कानून नूं मन्नण वाला बंदा वा। ऐ तुसीं हुणे देखिया सी मैं असीं इत्थे आए ते किद्दां मैनूं हत्ताबाजी होई है, ते मैनूं ते मेरे सारी फैमिली नूं ते मेरे स्टाफ नूं सानूं डर है वी जे कल नूं कोई सानूं प्रॉब्लम आई ते इही बंदा जिम्मेवार होएगा। पहली गल ते कारण भाजी इह बिल्डिंग असीं खरीदी है, असीं बिल्डिंग उपर बनाउणी है, रेनोवेशन करनी है, ते इह बंदा सानूं डिक्के पाउंदा छड़ियां। आ देखो आह गड्डी देखो खड़ी है, यह गड्डी साडी दुकान दे अगे खड़ी की हुई है। भी वारी कह तैनू चुका इतों की एक गड्डी भी नहीं चुका रहा। बाहर देखो सारिया इहदियां गड्डियां टुटियां गड्डियां खड़ी पार के सानू कहिंदा जी 8 लाख रुपया दिओ। मैं नहीं समझ आती भी किस चीज़ का 8 लाख रुपये दिए जी, असी कोई यदा देना थोड़ी ना है। फिर साढ़े तो जाति सूचक वर्ड का जाके कंप्लेट दे आया भी इन्होंने कहे है। असी भाजी कानून मन वाले बंदे असी गल क्यों कहे, सानू की लोड़ पई है। यह मेरी दुकान है नाल दे पासे, असी इत्थे काम कर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया GST भरी दा साल का, फिर भी सानू एहो जिहियां चीजां देखनियां पै रहियां। प्रशासन अगे यही मंग है जी, इहनू 2-2.5 महीने हो गए जी। बिल्कुल की है जी, मैं कंप्लेट CP साहब नू कंप्लेट दे के आया वा, वो कहंदे ने भी इत्थे एक्शन होएगा जल्दी होएगा, उन्होंने आश्वासन दिता सानू। बिल्कुल नहीं गड्डिया भाजी, तुम उन्हें देखे ही है इन्होंने सानू किदा धक्के मारे ने। मैं तो हाथ जोड़ के बेनती, हले भी अज भी हाथ जोड़ के बेनती कर रहे भाजी भी अपना ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 26 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕਢਾਇਆ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਚੋਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਬਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਟੋਮੈਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰੀਬ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਸਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਵਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਲਵਲੀ ਭਾਅ ਜੀ 30-35 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕਟਾਉਣ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਜੋ ACP ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12-12:30 ਵਜੇ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੱਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਚੂੜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਜ
वकील डीसी कमिश्नर लगे हैं। ये मनुवादी लोग सानू अपने ना बराबर का काम करता चंगा नहीं समझते, ये बर्दाश्त नहीं करते कि एक ऐसी परिवार का पूरा मेहनती परिवार अज मार्केट में अपना चंगा काम करता मेहनत करता है। अगर साडा समाज जे नशे बेचता है तो प्रशासन परेशान करता है, जे चंगे काम करते हैं जे मनुवादी परेशान करते हैं। मैं प्रशासन के बेनती लुहार लाई है इस दोषी ते संजीव कुमार लवली एक इन्हों का मुंडा बंटी एक मुंडा व्यास तो उन्होंने बंदी कानूनी ऐसे एक्ट ना लगेगा ते प्रदीप गब्बर पूरे समान को लेकर सरका उतरेगा। जय भीम जय पात जय वाल्मीकि। सर जी गली प्रूवमेंट असने वो सिर्फ साढ़े छोटे बूथा दी इसी की नहीं है, ये मेरे वह नक्शा मेरे को अज भी मौजूद है, हूँ भी मैं तुम दिखा दिना है। ये जी गली साढ़े बूथा की आ हमेशा ही दौलतमंद धक्का करता है, ये शुरू तो ही यही हालात आ, ये नशे करता मुड़ के साथी ने कहा कि यार जो डैपर हो जाता कोई ना कोई वजन करता सॉरी फील कर लूगा, ये पहले ही मेरे को सॉरी फील करके गया चार महीने पहले, उन्होंने पता कर लो इन्हें सॉरी मंगी तब मेरे दफ्तर आ गए कि नहीं मंगी। साथियों असी माफ़ करने वास्ते बने हैं, जुत्तियां खाने वास्ते बने हैं। अज साडा समाज जागदा है जागदी जमीर वाला, असी किसी दोषी को बर्दाश्त नहीं करांगे। अगर प्रशासन ने साथ दिता तो अं सड़कों उतरांगे। जय भीम जय पात जय वाल्मीकि। भाजी मेरिया दुकाना तो ऐन मेरी दुकाना लसेंस चलते, मेरा मैकेनिक लसेंस आ कारपोरेशन का लसेंस है, मैं दिखा सकता मेरिया दुकाना का मूँह ऐन वो दुकान का मूँह ऐन, अपनी दुकान अगे लाना पा पा तो दस दौ वो दुकान वो नहीं है जी, ये दुकान की जगह साड़ी उन्हें अगर अपने बेसमेंट कट ली उन्हें अपनी जगह अगे खरीदी है तो सानू थोड़ी मुल लै लिया उन्हें, सर जगह अंदर ही खरीदी बाहर पार्क थोड़ी मुल लै ली उन्हें, पार्क साड़ी आ सारे की सी कॉमन आ, ये मंदिर नहीं निकल सा पर्सनल है जी।